हेलो दोस्तों, मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है सूजी का हलवा। जैसे कि अष्टमी और नवमी हर किसी के घर में सूजी का हलवा बनाया ही जाता है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे एक नई ट्रिक जिससे आप सूजी का हलवा बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे होगा ये हमारी जितनी भी वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंचती रहेंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, हमको बनानी है चाशनी। तो मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ली है और उसमें 1.5 कटोरी हमने पानी डालना है, यानी कि उसका तिहाई। पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और पानी में उबाल आ चुका है यहाँ पर। तो इसी स्टेज पर अभी 4 इलायची हम कूट के इसमें डाल देंगे ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो इसमें मिल जाए। और दूसरी तरफ दोस्तों, हमने लिया है 100 ग्राम देसी घी, और देसी घी को हम इसमें डाल देंगे और गर्म करेंगे। और इसी बीच दोस्तों, हमारे पास जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू, बादाम और किशमिश, इनको हल्का हल्का रोस्ट करेंगे पफ होने तक। ये आप देख सकते हैं फुलाव आ चुका है किशमिश वगैरह में, और जो काजू और बादाम है वो रोस्ट हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और निकाल कर कटोरी में रख लेंगे। अब दोस्तों, घी में हम सूजी डाल देंगे। जो हमारा बचा हुआ घी था जिसमें हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट करे थे, उसमें हम सूजी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। स्टर करते रहेंगे जब तक कि हमारी जो सूजी है वो भुन ना जाए। अच्छी तरह से भूनेंगे उसको। सूजी जो है हमारी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरह से भुननी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हो सूजी का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारी सूजी है वो भुन चुकी है। अब यहाँ पर इसी स्टेज पे हमको जो हमने चाशनी बनाकर रखी थी वो चाशनी हम इसमें पलट देंगे। अब इसको धीरे धीरे हमें स्टर करते रहना है। ध्यान रहे गुठलियाँ इसमें ना बने, तो अच्छी तरह से हम इसको खूब स्टर करते रहेंगे। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में इसी तरह से नीचे लगे ना और गुठलियाँ हमने रेस्ट जितना भी मतलब चाशनी का पानी था वो हम इसमें डाल देंगे विद इलायची। और अब यहाँ पर क्या है, इसको अच्छी तरह से हमें स्टर करना है। अभी जितना भी ये पानी है ये आप देखना रिड्यूस हो जाएगा। फ्लेम आपको मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई पे इसको नहीं लेकर जाना है। और यहाँ पर 2 से 3 चुटकी इसमें कलर फूड कलर हम इसमें डालेंगे। तो आप देख सकते हो कलर भी जो है वो हमारा चेंज हो चुका है। इसमें फूड कलर आप ऑरेंज डाल सकते हैं या केसरी कलर, ये 2 फूड कलर आप इसमें डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं धीरे धीरे हमारा जो इसमें पानी था, मॉइस्चर था, वो भी रिड्यूस होता जा रहा है और उबाल आ चुका है। तो ठीक इसी तरह से हम स्टर करते रहेंगे प्रॉपर। यहाँ पर मेन जो है स्टर करते रहना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए हमारा। और उसके बाद जो रेस्ट हमारा मतलब हमने आधा इसमें देसी घी डाला था, बाकी जितना बचा था वो हमने इसमें डाल दिया है, ये आप देख सकते हैं। हलवे का जो कलर है और जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो घी है वो ऊपर आ चुका है, ये देख रहे हैं ना आप। इस तरह से जो हलवे की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो इस तरह से होनी चाहिए। अभी हम इसको और स्टर करेंगे थोड़ा सा। नीचे लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और वैसे भी आप देखेंगे मतलब जो कढ़ाई थी उसने जो ये सूजी है, हलवा है, इसको छोड़ दिया बिल्कुल।
और इस स्टेज पे हम जो ड्राई फ्रूट्स थे काजू बादाम और किशमिश वो इसमें हम मिला देंगे अच्छी तरह से। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा सूजी का जो हलवा है वो बनकर तैयार है। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी आप बना सकते हो इस तरह से, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। बाकी और भी हम तरह तरह से आपको बनाना सिखाएंगे आने वाली हमारी वीडियोज़ में, तो फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा हलवा बनेगा, आप खाकर देखना, टेस्ट जो है मज़ा आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने और बारी है अभी इसको सर्व करने की। दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।